रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम आबाद रखे। तो पिछली रेसिपी में मैंने खोया बनाया था, तो अब मैं उससे नई रेसिपी बनाने लगी हूँ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास गाजरें हैं, आधा किलो मेरे पास गाजर थी, साफ कर धो के साफ करके तो उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और अब इसको मैं पकाने लगी हूँ। अभी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला, घी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। इस फ्राइंग पैन में मैंने खोया बनाया था तो इसी में मैं गाजरें डाल दी हैं। अब इसको पकाते हैं। थोड़ा सा चूल्हा मैंने जला दी है और आंच तेज करके इसको तेज आंच पे करने लगी हूँ। बारीक ग्रेट किया है मैंने उसको, ज्यादा मोटा नहीं काटा, उसका कद्दूकस किया, बारीक ग्रेट किया है मैंने। तो चलें अब इसको पकाते हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही गाजर को सेक लगना शुरू हुआ है, इसके ऊपर मैं चीनी डाल लगी हूँ हसबे जायका, और ये है 4 टेबल स्पून, 2, 3 और 4, क्योंकि खोया फीका है तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाले हैं। जब तक चीनी का पानी खुश्क होता है तो मैं इसको पकाती हूँ। गाजरों का और चीनी का पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए, ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मैं पका रही हूँ और इसमें पानी है चीनी का, तो ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें मैं 1/4 कप के करीब दूध डालूंगी ताकि गाजरों का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है गाजरों को, इसका मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये जो मैंने खोया बनाया था ये सारा इसके अंदर जा रहा है, ये कल जो मैंने खोया बनाया था ये सारा का सारा इसके अंदर चला गया। और साथ में मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर चला गया और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने लगी हूँ। और मैंने और घी नहीं डाला क्योंकि खोए में मैंने काफ़ी घी डाला हुआ है, तो इसलिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी, वो मैं आपको दिखा के डालूंगी। ये देखिए मैंने घी बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि जो खोए के अंदर घी डाला था वही इसके लिए बहुत हो गया है। ये सारी मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की ये बर्फी रेडी हुई है। अब इसको मैं जमा के टुकड़ियाँ काट के आपको दिखा। तो ये है जी आज की मज़े की बर्फी रेडी हो गई है, गाजर की बर्फी। आप इसमें खोया की मिकदार ज़्यादा करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको जो बताया है उससे आप डबल खोया डाल सकते हैं। मुझे इतना पसंद है, मैंने अपने हिसाब से बनाया, अपने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।